देखिए, काफी समय से हम स्वदेश पर लगातार ये मुहिम चला रहे थे कि किसानों को बेहतर भाव मिलना चाहिए और किसानों के हक की लगातार हम बातचीत कर रहे थे। तो उसी खबर को हम आगे बढ़ाते हुए खाने के तेल की बात करेंगे। अब खबर ये आ रही है, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि खाने के तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है और इसकी वकालत फूड मिनिस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तरफ से भी की जा रही है। हालांकि इस पर एक मीटिंग होगी कमेटी, मिनिस्ट्रियल कमेटी की, जिसको हेड खुद अमित शाह करेंगे और उसके बाद इस पर जल्द फैसला होने की संभावना है। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीवी मेहता हैं, ईडी हैं, सीके, शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला। आप भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना चाहिए, अब खबर आ रही है कि जल्द इस पर फैसला हो सकता है। क्या सर ये सही समय है, क्योंकि जिस तरह के इम्पोर्ट्स के नंबर दिख रहे हैं और साथ ही दाम लगातार सोयाबीन के, मूंगफली के, सबके दाम एमएसपी के नीचे घरेलू बाजार में हैं। रवि सीजन में भी अगर यही हाल रहा तो मस्टर्ड की स्विंग पर भी इसका असर होगा। आपका टेक क्या है, आपका रिएक्शन क्या होगा सर इस पर? जन्माष्टमी है, सारे दर्शक को एक शुभेच्छा दे रहा हूं। यहाँ तक आपने बात की वो 100% सही है, क्योंकि अभी सोयाबीन का क्रॉप कम से कम 6 वीक दूर है नया क्रॉप आने का, और साथ में जो अभी भाव चल रहा है एमएसपी से कम 500 से 600 रुपए नीचे चल रहा है, तो इतनी हालत खराब है किसान की। और अगर जैसा नया क्रॉप आएगा क्रॉप प्राइस नीचे गिरेगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो इसके लिए गवर्नमेंट भी चिंतित है कि भाई कैसे किसानों को समझाए और उनके भाव, जो हमने 2-3 सुझाव दिया है उसमें खास तौर पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, जो आज क्रूड में 5.5% है वो मिनिमम 20 करना चाहिए और जो रिफाइन में 12.5 है वो 35 करनी चाहिए, वो हमारा सुझाव था। और दूसरा सुझाव ये था कि जो भावांतर स्कीम थी आज से 6-7 साल पहले उसके फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि किसान को सहायता मिले और इंडस्ट्री को माल भी मिलता रहे। खाली भाव, खाली इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से ज्यादा एमएसपी में माल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और साथ में भावांतर दाखिल कर दिया तो गवर्नमेंट को लेना नहीं पड़ा सोयाबीन, और इंडस्ट्री को माल मिलता रहेगा और एक्सपोर्ट भी चलता रहेगा, क्रॉसिंग भी चलता रहेगा। तो दोनों सुझाव है, और आज जो न्यूज है हम कब से उसकी वकालत तो कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी करना चाहिए, तो आज अच्छी है और लगता है कि भाई गवर्नमेंट भी अभी सीरियसली थिंकिंग कर रहा है कि भाई कैसे इतना बड़ा क्रॉप आ रहा है उसको कैसे संभाला जाए और किसान को सही दाम मिले। और दूसरा भी एक चीज और भी है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है सोयाबीन क्रॉप में और महाराष्ट्र पे इलेक्शन आ रही है, तो वहां भी जरूरी है कि भाई महाराष्ट्र के किसान को सही दाम मिले, अदरवाइज उसका असर हो सकती है इलेक्शन पे। तो भी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एंगल से भी सोचना पड़ेगा, इसके लिए लगता है कि भाई ड्यूटी में बदलाव होगा, और सवाल एक यही है कब, नोबडी नोज। या बिल्कुल सही बात है, जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पहले इश्यू करके चुका है 31 मार्च 2025 तक ड्यूटी चेंज नहीं होगी, इसके लिए अभी कब करेंगे वो एक सवाल है। मगर ऐसा लग रहा है कि भी जो जैसे प्रेशर बढ़ रहा है और खास तौर के आप मीडिया का भी जो प्रेशर काफी है, मीडिया वालों भी आप भी है और दूसरे भी चैनल वाले प्रेशर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी न्यूज आएगी आज नहीं तो कल आएगी न्यूज। बिल्कुल शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त दिया हमें और ये बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सोयाबीन के दाम नीचे आए हैं एमएसपी के मुकाबले अगर देखें तो एमपी के कुछ मंडियों में जो सबसे निचले क्वालिटी का जो माल होता है सोयाबीन का, उसका दाम तो 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक भी गिर गया था, जबकि 4800 के ऊपर नए सीजन के लिए सोयाबीन का एमएसपी है, और यही हाल मूंगफली का भी है। ऐसे में अगर किसानों को, अगर आपको मोटिवेट करना है यहाँ पर उत्पादन बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आपको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर विदेशी किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा और घरेलू किसान किसी और फसल की तरफ या खेती करना ही छोड़ देंगे। अगर आपको किसानों के हक की बात करनी है, किसानों के लिए कुछ करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको फायदा देना ही पड़ेगा, बेहतर दाम देना ही पड़ेगा। और ये अच्छा समय है, क्योंकि एक तरफ लगातार रिकॉर्ड उत्पादन की बातचीत हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में भी सोयाबीन की, घरेलू बाजार में भी बम्पर क्रॉप का अनुमान है, पाम तेल की सप्लाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, दाम भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, तो ये एक अच्छा मौका भी है सरकार के लिए और राजनीतिक माहौल भी है, तो ये सब कुछ फेवरेबल है, तो डेफिनेटली इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं
नॉन एग्री मार्केट की, और नॉन एग्री मार्केट में सबसे पहले बात होगी सोने और चांदी की। कल शाम के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी, वो तेजी आज गायब होती दिख रही है। केडिया जी, गोल्ड और सिल्वर पर क्या हो रहा है, आगे किस तरह की चाल दिख रही है आपको? नमस्कार विक्रम जी, अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था कि डेटा पॉइंट जो आए थे वो काफी स्ट्रॉन्ग आए थे, जैसे उम्मीद थी कि डॉवी स्टोन ही रहेगा, 0.25 का उम्मीद थी, बट 0.5 तक की अब कंफर्मेशन आ रही है। मे बी पॉसिबल है कि हम 1% तक का भी रेट कट देख पाएंगे पूरे साल भर में, जिसके चलते प्राइजेस को एक अच्छा खासा गेन मिला। साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी काफी ज्यादा बने हुए हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमने संडे को देखा, इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में संडे और मंडे दोनों में क्लैशेस बढ़ रहे हैं, ये भी सपोर्टिव है। नो डाउट टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा ओवर रैलीड कर चुका है, इसके लिए 72-500 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करके चलेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा इवनिंग सेशन तक मार्केट में पुल बैक रहेगा, जो 71-600-700 तक का लेवल मिलता है वहां पे आपको ऐड करना है। हायर साइड पे 72-100 से लेकर 72-400 तक के लेवल मिल जाएंगे, लेकिन बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। यहाँ पर गोल्ड में काम करना है, और चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी वही है, 84,800 पे खरीदे 86,000 के टारगेट के लिए। जिगर, आप बताइए आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर, आप भी खरीदारी के मूड में हैं आज? आप सभी को और दर्शक मित्रों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर के मूव की बात करूं, ऑलरेडी हमने अगस्त में एक शानदार रैली देख ली है। इनफैक्ट कॉमेक्स गोल्ड तो 22% अप है ईयर टू डेट, और अंडरटोन इज डेफिनेटली पॉजिटिव। मुझे लग रहा है कि जो जो इकोनॉमिक डेटा आने वाले दिनों में आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से, हाउसिंग प्राइस नंबर से, पीसीई कोर इंडेक्स नंबर से, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लग रहा है कि गोल्ड में किसी भी डीप पे बाय करना एडवाइजेबल रहेगा यहाँ पे। सो वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 71,850 स्टॉप लॉस, 72,100 स्टार्ट। ओके, मयंक गुप्ता, आपसे मेरा सवाल होगा, आपने शॉर्ट कॉल दिए गोल्ड और सिल्वर में, आपको क्यों लग रहा है कि भाव नीचे आ सकता है? जय श्री कृष्ण सर। सर एक्चुअली क्या है, गोल्ड में 4 आवर के चार्ट पे ना ये रेजिस्टेंस पे है, इस वजह से मैंने शॉर्ट कॉल दिया हुआ है गोल्ड में, क्योंकि जो अभी फेड के तरफ से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है, एंड मार्केट में ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस काफी ऊपर के लेवल पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस रेजिस्टेंस को अगर गोल्ड सिल्वर को क्रॉस करना हो तो मार्केट में एक कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज चाहिए, इसी रीजन की वजह से मैंने अभी गोल्ड को, मुझे लगता है कि अभी गोल्ड साइडवेज में रहेगा, साइडवेज कारण 71,600 से लेकर 71,400 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिलेंगे। ओके, यानी आपको लग रहा है ये इंट्राडे के लिए कॉल है, आज ही ये टारगेट 71,600 तक आ सकता है मयंक? यस सर। ओके, तो इनको लग रहा है कि गोल्ड और चांदी में भी इसी तरह की कॉल आपने दी है, चांदी भी आपको लग सकता है कि आज दिन के दौरान फिसल सकती है क्या? यस सर, एक्चुअली रीजन क्या है कि दोनों सर रेजिस्टेंस पे है, और ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्क्लोज्ड है, काफी इसके पहले हम रैली देख चुके हैं गोल्ड में, जैसे कि आपने देखा होगा 68,000 से गोल्ड 72,000 के लेवल पे भी चल रहा है, 4,000 पॉइंट की ऑलरेडी मार्केट में रैली आ चुकी है। सेम सिल्वर में 78,400 से लेकर आज 86,000-87,000 तक के रेट हमको MCX में देखने को मिल चुके हैं, तो अभी कोई अगर मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज चाहिए इसको फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, अगर कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है मार्केट में तो इस टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट अभी साइडवेज में रहेगा एंड अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, साइडवेज रहेगा और करेक्शन भी दिख सकता है, एक कॉन्ट्रा कॉल मयंक की तरफ से आ रही है, हालांकि हमारे दो एक्सपर्ट्स बाई कॉल दे रहे हैं, जिगर और केडिया जी दोनों को लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। भाविक, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड सिल्वर में? गुड मॉर्निंग शुभमन जी, मुझे भी लग रहा है कि बाई करना चाहिए, हालांकि यस मार्केट जो है वो थोड़ा थका हुआ जरूर से लग रहा है, मैं फ्रेश ट्रिगर्स वेट कर रहा है, बट अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डिसेंट करेक्शन आ सकता है, मे बी साइडवेज ही आ सकता है, बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड जो है काफी बुलिश है, तो आई थिंक कोई भी करेक्शन मिलता है तो बाय करना चाहिए। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आई थिंक 71,700 के करीब आता है, तो 71,550 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 72,050 से 72,100 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक गोल्ड सिल्वर रेशियो देख के हुए मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है चांदी, तो चांदी 85,200 के करीब बाय कर सकते हैं, 86,000 से 86,500 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 84,700 का। तो आप तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि गोल्ड सिल्वर खरीदना चाहिए, और मयंक को लगता है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है, साइडवेज रहेगा तो यहाँ पर नीचे के भाव दिख सकते हैं गोल्ड के लिए, उनको लगता है 71,600 पहला टारगेट, फिर 71,400 और 71,200 का भी उन्होंने टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए मयंक का है
72,170 का। क्रूड में मैंग बताइए आपकी क्या राय है, क्रूड 5% तक चल गया है, अगर पिछले हफ्ते का लोअर लेवल देखें तो वहां से 5% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, और तेजी बची है या भाव नीचे आ सकता है? और 400 के आसपास अगर भाव मिलते हैं इंट्राडे में तो उस लेवल पे 6350 का स्टॉप लॉस लगा के 6600 के टारगेट के लिए बाई करना चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है यहां पर तेजी की राय। आप भावी क्या मानते हैं, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? जी ऑफ कोर्स, मुझे भी लग रहा है कि 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए अराउंड 155। टारगेट इंट्राडे रहेगा 200 का और स्टॉप लॉस रहेगा 120 का। ओके जिगर, आपकी कॉल भी बाय कॉल है, दो बाय कॉल आ चुके हैं क्रूड में, आपकी राय? मुझे भी लग रहा है कि 6500 का जो कॉल ऑप्शन है 17 सितंबर का, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 160-130, स्टॉप लॉस 220 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। और WTI की मैं बात करूँ 80-82 के लेवल्स अभी भी पॉसिबल है। ओके, यानी तीनों एक्सपर्ट्स बिल्कुल सिमिलर राय है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रा कॉल नहीं है। केडिया जी, आपकी राय क्या बन रही है कच्चे तेल पर? कच्चे तेल के फंडामेंटल मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगस्त में हमने अच्छा खासा गेन देखा, उसके बाद फॉल देखा, बट मुझे लगता है जो लीबिया वाला जो स्टोरी है वो मेरे को लगता है ज्यादा प्राइसेस को हिट करेगा, तो व्यू तो तेजी का ही है। यहाँ पे हम फ्यूचर में अगर लेके चले तो 6600 का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मुझे लगता है ज्यादा अच्छी बाइंग की जा सकती है, जहाँ पे इन द मनी 6500 का एक कॉल लिया जा सकता है 130 पे, हायर साइड पे मुझे लगता है 220-250 तक का भी लेवल दिखा सकता है, तो ओवरऑल फंडामेंटल एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है। बट ये ध्यान रखिए क्योंकि संडे और मंडे जो एस्केलेशन बढ़े हैं उसकी वजह से ये रैली आई है, अगर बीच बचाव होता है ये हफ्ते में, सीज फायर की वापस बातें आती है और लीबिया वाला भी सिनेरियो अगर चेंज होता है तो वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगा, बट जब तक ऐसे कोई नए अपडेट नहीं आते 6600 के टारगेट के लिए कच्चे तेल को लिया जा सकता है। ओके, तो चारों एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहां से तेजी दिख रही है, आप रिस्क कम है, रिस्क एपेटाइट अगर कम है तो आप क्रूड में ऑप्शंस की कॉल के साथ भी जा सकते हैं। चलिए मेटल्स की चाल देखते हैं, कॉपर की तेजी अब बढ़ी है, 817 रुपए के करीब अब पहुंच चुका है, जिंक कमजोर दिख रहा था 0.5% के आसपास शुरुआती कारोबार में, अब वापस से तेजी के मूड में आ गया है, 270 के ऊपर अब पहुंच चुका है। एल्युमिनियम में लेकिन अभी भी कमजोरी है 231 रुपए के आसपास, और लेड को देखिए तो सपाट है 188 रुपए पर। केरिया जी, क्या मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है आज के लिए? देखिए मॉर्निंग में हमने देखा था मार्केट थोड़ा सा पेसिमिस्टिक दिखाई दे रहा था, क्योंकि कल के अच्छे ट्रेडिंग के बाद थोड़ा पुलबैक जरूर आया था। डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है पूरे बेस मेटल को सपोर्ट कर रही, उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सप्लाई साइड, जो मुझे लगता है धीरे धीरे कंसर्न करेगा, क्वार्टर फोर वैसे भी जाना जाता है अपने प्रोडक्शन कटल के लिए, तो ओवरऑल मुझे लगता है सबसे पहला पिक रहेगा कॉपर, बट करंट लेवल से ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रहा है। पुलबैक मिलता है 812 के आसपास तो लेके चलिए, क्योंकि 818-820 एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका है। बट इसके विपरीत अगर मैं बात करूं जिंक और एल्यूमिनियम, ये दोनों ही काउंटर मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, जहां पे 267-268 के करीब जिंक सितंबर वायदा लिया जा सकता है, 272 का लेवल आराम से देखने मिल जाएगा। वहीं अगर एल्यूमिनियम की भी अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, जहां पे 230 के करीब लेके चलिए, 233 से 235 तक के भी लेवल हम एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। ओके, तो क्रूड, जिंक और कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम तीनों खरीदारी की राय केडिया जी की तरफ से आ रही है। जिगर, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? मेरा थोड़ा पोजिशनल व्यू है यहाँ पे, अंडरटोन तो पॉजिटिव ही है यहाँ पे, हालांकि कॉपर की मैं बात करूं, एलएमई कॉपर बहुत जल्द 96-97 जाने का शायद यहाँ पे गुंजाइश है, सो अंडरटोन रियली कॉपर में बुलिश है, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड दिस लेवल्स आल्सो, 810 का स्टॉप लॉस लेके चले 822 के टारगेट के लिए, पोजिशनली मुझे लग रहा है 860-880 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 2 या 3 वीक्स में। जिंक एक दूसरा सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट है जो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, 269 के आसपास खरीदारी करके चले, 267 स्टॉप लॉस, 273 का टारगेट लेके हम यहाँ पे चल सकते हैं। सी अगर स्ट्रक्चरल डिमांड की मैं बात करूं, जब तक चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर की जो रिकवरी है वो फुल प्रूफ नहीं होती, तब तक यहाँ पे हमें एक स्ट्रांग रिकवरी या तो फिर स्ट्रांग रैली देखने को नहीं मिलेगी। बट मार्केट को एक ही पॉजिटिव है अभी के डॉलर इंडेक्स में अगर एक बाउंस आ गया मार्केट में तो ही एक यहाँ पे एक प्रेशर आएगा, अदरवाइज आई थिंक आज के अगर चाइनीज डेटा हम देखें अंडरटोन इट्स सपोर्ट्स द रैली इन बेस मेटल्स। आपको लग रहा है कि रैली जारी रहेगी यहां पर, अंडरटोन पॉजिटिव है, पोजिशनली भी यहां पर आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, तो जिगर की भी टॉपिक यहां पर कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों में इनकी बाय कॉल यहां पर निकल कर आ रही है। आप बताइए मयंक, आपकी राय क्या है?
कॉपर में अभी ट्रेड रेजिस्टेंस पे कॉपर करंटली ट्रेड कर रहा है, अभी 870 रुपए का भाव चल रहा है। डेरिवेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी 820 के अकॉर्डिंग ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है एंड 820 पे एक रेजिस्टेंस फील करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी करंट भाव से तो कॉपर को बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए, करंट भाव में आपको कॉपर में सेल करने चाहिए करके चलना चाहिए एंड 821 के स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे में 810 तक का टारगेट देख सकते हैं। ओके, तो किस लेवल पे सेल करना है कॉपर को? सर करंट रेट पे 817 रेट चल रहा है सर करंट। ओके, तो ये अगला कॉन्ट्रैक्ट है जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपको यहां पर सेल करने की सलाह मैंग की तरफ से आ रही है। भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं कॉपर में? आई थिंक कॉपर में मैं बाय की तरफ से जाऊंगा। जैसे केडिया जी ने भी बताया, अगर टेक्निकली देखें तो 818 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रेक करता है तो हमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बट आज के दिन आई थिंक अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 812 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 818 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 809 का। शेंगा इन्वेंट्री भी हम देख रहे हैं कि लगातार 5 दिन से कॉपर की कम हो रही है, लेकिन नॉट ऑन बुलिश है, और 820 के ऊपर एक अच्छी ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकती है। ओके, नेचुरल गैस, आप क्या लग रहा है आपको जिगर? नेचुरल गैस आज 1% फिर से कमजोर है, 178 के आसपास है, $2 के नीचे नाइमेक्स पर भी आ गया है। क्या और गिरावट आपको लगती है नेचुरल गैस में यहाँ से? मोहन सी, पिछले 4 या 5 दिनों से लगातार इसमें एक सेलिंग प्रेशर ही है मार्केट में, एंड आई थिंक वन कैन गो शॉर्ट इन नेचुरल गैस करंट लेवल्स आल्सो, ऑल्दो इट्स इन ओवरसोल्ड कंडीशन। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 180 के आसपास मिले शॉर्ट कीजिए, 184 स्टॉप लॉस एंड 172 टारगेट। लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट यहां पर आ सकती है, और 172 के टारगेट के लिए सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है जो 25 सितंबर की जिसकी एक्सपायरी है उसके लिए ये कॉल है, 180 पे बेचे 172 के टारगेट के लिए। वक्त है ब्रेक का, ग्वारगम की चाल देख लेते हैं। यहां पर भी आज खरीदारी दिख रही है 10,228 के ऊपर, ग्वारगम ग्वार सीट 5,245। कल के सत्र में भी हल्की तेजी दिखी थी केडिया जी, इन दोनों काउंटर में क्या लग रहा है, ये तेजी और बढ़ सकती है क्या? देखिए मार्केट बहुत ही ज्यादा स्लिम हो चुका है, मार्केट में एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है पूरे एग्री में, खास करके गवार में। तो हमने रिसेंटली भी देखा 5150 तक मार्केट गया बट सस्टेन नहीं किया, अब रिकवर कर रहा है। तो छोटे टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है 5200 पे, हायर साइड पे मुझे लगता है मार्केट 5280 5300 का लेवल गवार शीट में दिखा देगा। गवार गम में भी हमने पिछले 9 महीने में देखा है कि 10,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना ही 10,800 के ऊपर जा पा रहा है। उसी को देखते हुए 10,150 10,200 के करीब लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड है बट 10,500 तक का लेवल दिखेगा। हाँ, सितंबर में अगेन उम्मीद यही है कि जैसे जैसे क्रॉप की क्लियरिटी मिलेगी और इनफैक्ट अगर एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव होती है तो प्राइसेस में डेफिनेटली उसका असर दिखाई देगा, एल्स मार्केट जो दायरे में है वही दायरा अभी भी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। सर कॉटन के जबरदस्त तेजी के मूड में है, 3560 के ऊपर आ चुका है, कल जबरदस्त तेजी, आज भी वो तेजी कंटिन्यू हो रही है, कितनी तेजी और बची है कॉटन केक में, या रिस्की ज्यादा है अब ये? बिजमान जी, मुझे लगता है कि अगर सीजनलिटी की बात करें तो मैंने पहले भी आगाह किया था, क्योंकि आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगस्त में हमेशा तेजी आती है और इनफैक्ट अगस्त में हमने देखा कि 2750 से मार्केट चला हुआ है जो ऑलमोस्ट हमने 3500 के ऊपर भी जाते हुए देख चुके हैं। फिजिकल ट्रेडर जिनके पास माल है उनको निकल जाना चाहिए, धीरे धीरे पोजिशन कम कर लीजिए, क्योंकि सितंबर की सीजनलिटी 10 साल में एक बार भी पॉजिटिव नहीं है और प्राइजेस ऑलरेडी रैली अप कर चुका है। लेकिन जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनको 3500 में 3460 का वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, लिमिटेड अपसाइड रहेगा बट 3580 तक मिल जाएगा। बट अगेन फिजिकल ट्रेडर अपनी पोजीशन धीरे धीरे कम कीजिए, जो फ्यूचर्स पे काम कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले एक हफ्ते के अंदर बड़ा करेक्शन कॉटन सीड ऑयल केक में आता हुआ दिखाई देगा। ओके, एक हफ्ते में बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन ये कॉल 3580 के टारगेट के लिए आज के लिए केडिया जी की तरफ से आ रही। चलिए अब मसालों की बात कर लेते हैं, जहां पर हल्दी सबसे पहले बात करेंगे। आज भी 3.5% तक की गिरावट दिख रही है, कल करीब 4.5% की गिरावट दिखी थी, 13,500 के नीचे अब भाव आ चुका है। भाविक, सबसे पहले आप बताइए आपको क्या लग रहा है हल्दी में, क्या हो रहा है और गिरावट लग रही है आपको? देखिए, जैसे सोइंग के हम जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं वो इस हिसाब से लग रहा है कि फरवरी मार्च में जो आएगा हार्वेस्ट वो अच्छा आएगा, और अभी फिलहाल जो प्रोग्रेस हो रही है मानसून की वो भी काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से भी लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर है। इनफैक्ट अगर मंडी में डिमांड देखे लोकल तो वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में प्रेशर काफ़ी आ रहा है। तो बट मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी करेक्शन हो चुका है, यहाँ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखूँ तो 12,000 1200 से 12,000 के आसपास ही लग रहा है।
तो एक बार थोड़ा वेट करना चाहिए, यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट करना चाहिए। बट अगर 13,000 से 12,800 के करीब आता है तो एक बार 12,000 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। बट अभी फिलहाल के लिए ये करेक्शन देखते हुए मुझे लग रहा है थोड़ा वेट कीजिए, अगर नीचे आता है तो एक बार बाय कीजिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। केडिया जी क्या मानते हैं, हल्दी की इस भारी बिकवाली के बाद और गिरावट आपको दिख रही है या अच्छा मौका आ चुका है? मौका अच्छा है, लेकिन जो पेन हुआ है, हमने सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस बार 20,000 का लेवल टूटेगा, ऊपर में और बड़ी तेजी बनेगी, उम्मीद ये थी हमारी भी बाई तेजी दिखा देगा, लेकिन हमने देखा ट्रिपल टॉप, 20,000 के ऊपर प्राइसेस गए नहीं। और जो ये गिरावट थी ये भी ऐसा लग रहा था कि 16,000 पे जाके सिमट जाएगा, क्योंकि इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में जो उम्मीद थी कि डबल होगा, बट वैसा नहीं है। अभी मैंने 2-3 दिन में जो बात भी की है तो वहां से कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि 35% से आसपास का स्विंग बढ़ा है, उसका एक नेगेटिव। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रिगर जो डाउनसाइड आया है उसमें दो सेंटीमेंट है, एक एक्सपोर्ट डिमांड पूरी तरह से चरमरा गया है बांग्लादेश की वजह से भी, और मिडिल ईस्ट में जो फ्रेट कंटेनर के कॉस्ट है वो ज्यादा हाई है, तो एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्राइस जिस ढंग से भाविक ने भी कहा है कि इतना करेक्ट ले चुका है तो करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल भी जब 18,000 से भाव टूटा था तो हमने 12,500 का लो देखा था, इनफैक्ट जनवरी में भी 12,500 से जंप किया था। तो मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा 12,500 के करीब। शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है, 2 दिन वेट करना चाहिए क्योंकि फिजिकल मार्केट में स्टेबिलिटी दिखाई देगी, लेकिन पैनिक जो है वो खाली फ्यूचर मार्केट पे ज्यादा बना हुआ है। तो करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं, यहाँ से रिकवरी जरूर बन सकती है। जो शॉर्ट कवरिंग के चलते 14,000 का लेवल, 14,200 तक का लेवल हम अगले 2-3 सेशन में देखेंगे, यहाँ से शॉर्ट ना कीजिए, वेट करना चाहिए। नमचंद गुप्ता जी भी है, हल्दी के कारोबारी भी है और हल्दी की टर्मरिक कमेटी है एनसीडीएक्स की, उसको भी हेड करते हैं। पूनम जी क्या हो रहा है, आप क्या मानते हैं, क्यों गिर रहा है बाजार, ग्राउंड की स्थिति क्या है? अभी वैसा वो ग्राहकी हर बहुत कमजोर है, डोमेस्टिक डिमांड भी काफी कम है, और जो एक्सपोर्ट का जो बांग्लादेश का और मिडिल ईस्ट वगैरह सब जो गल्फ कंट्रीज की वार वगैरह चल रहा है उसके वजह से बिल्कुल ग्राहकी एक्सपोर्ट की एकदम काफी कम हो गई है। जो कंटिन्यूस एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं रहने से बाजार में अराइवल प्रेशर तो आ ही रहा है। महाराष्ट्र में जैसे रोज का 6-7 हजार बोरी आ रही है, दूसरे सेंटरों में भी 1,500-2,000 बोरी आ रही है, और लेवल काफी कमजोर रहने से एक तरफ थोड़ा मंदी की पोजिशन बनी हुई है। दूसरा ये लास्ट वीक में हर हल्दी के बीच में बरसात काफी अच्छी हो गई है, उससे जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको काफी जान मिल गई, उसमें मतलब लगता है कि 5-10% की इंक्रीमेंट की हो जाएगी क्रॉप आने क्रॉप में। तो सब आपको पूनम चंद जी, अब मेरा सवाल ये है कि कितना गिर सकता है यहाँ से भाव, 13,500 ऑलरेडी हो चुका है, और कितनी गिरावट आपको और दिख रही है यहाँ पर? इसमें अभी 5-700 का रिस्क हो रहा है। ओके, 5-700 का और रिस्क और 12,500 की संभावना केडिया जी को भी लग रही है। बिल्कुल सही। ओके, शुक्रिया पूनम चंद जी, आपने वक्त निकाला। केडिया जी, मयंक जिगर, आप सभी का और भाविक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया आपने। चलिए मुनाफे की मंडी को यही